हमारी आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के ऊपर, और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी के बारे में, कि डेटा को किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है, है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने गेट डेटा है। जैसे कल आपने बताया था कि किस तरीके से हमने गेट डेटा की मदद से हमने एक्सेल के साथ कनेक्ट किया था, तो इसमें क्या और क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो मोस्ट यूजेस कनेक्टिविटी है वो आपके सामने दिखता है। आप मोड पे जाते हैं, यहाँ पे हाँ आपको कैटेगरी के हिसाब से अभी आ जाएगा, कैटेगरी के हिसाब से जैसे ऑल है हाँ फाइल, फाइल में आप एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल, जेएसपी फाइल, या कोई पर्टिकुलर फोल्डर, या पीडीएफ, या फिर कोई सेव पॉइंट का फोल्डर कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस में बहुत सारे हैं, एसक्यूएल है, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरिकल है, आईबीएम का डेटा है, माई एसक्यूएल का डेटा है, पोस्ट ग्रेट एसक्यूएल है, आपके यहाँ पे साइबेस डेटाबेस है, ट्रेड है, स्टैप है, डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो डेटाबेस ये आप इसका यूज कर सकते हैं डेटा। अब आते हैं पावर प्लेटफॉर्म, पावर बीआई के डेटा सेट से। पावर बीआई फ्लो है, कॉमन डेटा सर्विसेज एंड पावर प्लेटफॉर्म, ये पावर बीआई द्वारा की गई डेटा सर्विसेज। अजूरे की बात करें, जैसे कि लाइनेक्स, एक लाइनेक्स होता है ना सर, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस के लिए खास कर बनाया जाता है, तो लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है। हाँ, लिनक्स होता है ना, तो लिनक्स हाँ तो इसका है, ओरेकल का है, हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट का उसी तरह का डेटाबेस में आपके पास एजूरे, क्योंकि सर्वर्स के लिए काम किया जाता है। एसक्यूएल नहीं, एजूरे, एजूरे, एजूरे अलग सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज होता हाँ है, तो विंडोज एक, उसके दो पार्ट है, एक है आपका विंडोज जो है, जो विंडोज चलता है, विंडोज सर्वर है, विंडोज 10, 8, 9, 7 एक्सपी वगैरह है, हाँ उसका एक एजूरे का सीरीज चलता है, हाँ एजूरे ठीक का है। ऑनलाइन सर्विसेज में जो ऑनलाइन डेटाबेसेस है, जैसे शेयर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, डायनेमिक है, 365 है, यहाँ पे अजूरे का भी ऑनलाइन है, यहाँ पे सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स के बारे में जानते होंगे आप, गूगल एनालिटिक्स नहीं है, सेल्स फोर्स मतलब कि एक वो भी डेटाबेस है सैप की तरह, ऑनलाइन हाँ सर्विसेज है वो, ठीक है ना, हाइब ठीक फिगर है, फेसबुक है, गिटहब है, लिंक्डइन है, मेल चैम्प है, तो ये सारे आपके ऑनलाइन डेटाबेसेस है। और जो ऑनलाइन सर्विसेज है सारी, जो ऑनलाइन चलती है, जैसे फेसबुक वगैरह देखिए ना आपका, ऐसा उनका वहां से डाउनलोड कर सकते डाटा हैं, हाँ वहां से डाउनलोड। हाँ ठीक है अदर कैटेगरी में आते हैं, तो अदर कैटेगरी के अलावा से वेब्स लेना है, सरपंच लगाना है, ओएस लेना है, तो स्पाइस की आर पैथन स्क्रिप्ट, ओटीपीसी, ओएडीबी, ये आपका इसमें चलता है पूरा, क्यूरी कोई लिखना है, एसक्यूएल क्वेरी थ्रू करना है, तो ब्लैंक क्वेरी क्लिक करके भी किया जा सकता है। ओके, ठीक ये डेटाबेस हो गया। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फाइल, बता सकते हैं कि किस किस तरह के डेटा सेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ। हाँ ठीक हम बात करते हैं फाइल, सबसे पहले कंट्री वाइज समझते हैं फाइल। अब फाइल में एक्सेल फाइल तो मैंने बता ही दिया, ऐसे आपका नोटपैड की फाइल है, अगर आपकी कोई फाइल नोटपैड में है, अब क्वेश्चन आता है फाइल नोटपैड में क्यों होगी, तो जनरली जो अनफॉर्मेटेड डेटा हो, लार्ज डेटा होता है, हाँ दे लार्ज डेटा होता है उसको, ठीक है, तो हाँ यहां भी इसको हम सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। ओके, ये आपका कनेक्टिंग हो रहा है, यहां पे आपके या भी पास सर्वर से डायरेक्ट इसमें आ जाएगी वो टेक्स्ट सर्वर से फाइल नहीं में है सर, ये सर्वर से नहीं है, ये आपकी सिस्टम से है, हमने टेक्स्ट फाइल नोट पैड की फाइल को कनेक्ट किया है, इसी ठीक फाइल को समझे। हाँ सर टेक्स्ट में ऐसे हो गए एक मिनट दीजिएगा सर, हाँ तो यहां पे
आपको डेटा यहाँ पे शो कर दिया, तो यहाँ पे कॉमा के बिहाफ पे या फिर टैब के, मान लीजिए कि ऊपर दिख रहा है आपको टैब के बिहाफ पे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी नोटपैड को फाइल को एक्सेल में आप करते हैं तो आपको बताता है ना कि सेपरेशन टेक्स्ट कॉलम, कि टेक्स्ट को कॉलम किस पे करना है। हाँ, वो जो एक्सेल में बताता है वो कॉल टैब कॉलम पर। हाँ, तो वही यहाँ पे है, ये सेम चीज। ठीक, गुड इवनिंग। हेलो, ओके, बताइए बताइए। हाँ, सिखाते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? हाँ, तो मुझे इसी नंबर पे आप एक बार हाई लिख के भेजिए, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको भेज देता हूँ। आदम, मुझे मेरे मेरे इसी नंबर पे, मुझे पता है सर, मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए ना, तो मैं आपको अपना पूरी कोर्स का टाइम पैम्पलेट भेज दूंगा, वीडियो फाइल देख लीजिएगा, फिर दिक्कत होगा तो हम। सर सब कुछ मेंशन है, मैं था क्लास में बैठा था, इसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सब कुछ मेंशन है पीडीएफ में, आप मुझे हाई लिख के भेजिए ना, आपको भेजता हूँ मैं। ठीक है, समझे सर यहाँ पे कि नहीं सर? सॉरी, फोन आ गया था एक। हाँ ठीक है, कोई एक्सेल के जैसे ना टैप टू कॉलम। हाँ, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 15 रो है, या फिर यहाँ पे एंटायर डेटा डेटा इसने 200 यहाँ पे कर रहा है आपका, तो यहाँ पे आप एंटायर कर देंगे, एंटायर आ जाएगा बेस्ड ऑन एंटायर शीट। तो एंटायर शीट में थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए इससे यहाँ से मतलब नहीं, आपको जस्ट दिखाएगा, समझे ना। लोड कीजिएगा तो पूरा डेटा ही लोड होगा, सैंपल सिलेक्शन कोई कुछ भी आपने क्यों नहीं किया, समझे। हाँ सर, अब यहाँ पे दो मिनट वेट कीजिए, आपका डेटा ना तो यहाँ पे देखिए पूरा डेटा आपका इसमें लोड हो, इसमें लोड हो गया, यहाँ पे सारे फील्ड्स भी आ गए। ठीक है सर। हाँ, मुझे तो हम लोड करने के, आप लोड पे आते हैं गेट डेटा पे फाइल पे, तो पर हमने सीख लिया, और हमने सीख लिया किस पे, टेक्स्ट पे। बात करते हैं एक्सएमएल की फाइल, ठीक है। एक्सएमएल पता है क्या होता है? पता इतना ज्यादा नहीं। तो क्या होता है सर, वेबसाइट वगैरह जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट वगैरह में जो डेटा बैकएंड में होता है वो अपलोड, जैसे मतलब डेटा अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है तो उसमें फॉर्मेट प्रेफर होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन डाटा दो मेन होता है, एक होता है आपका सीवीएस फॉर्मेट, कॉमा सेपरेट रूफ, समझे। और दूसरा होता है आपका आपका एक्सएमएल फाइल, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, बराबर आ रही है। आपका XML फाइल को कैसे लोड करते हैं, मुझे इसके बारे में XML फाइल पता होना चाहिए। क्या वो कैसे रिकॉग्नाइज करें अपने पास XML है या नहीं? हाँ, तो XML फाइल अगर आपके पास है तो XML फाइल से डाउनलोड है ना, एक बार क्लिक करके देखता हूँ मेरे सिस्टम में होगा कोई XML फाइल।
यहाँ आपका होता है एक्सएमएल का, ये होता है कन्वर्ट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे लोड किया, ये बुक वन हमारा आ रहा है, ये हमारा डेटा दिख रहा है आपको लॉन्च पे। अच्छा वही क्या है, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे आप देखिए ये पे आइए, ये आपके फिल आ गए ऊपर वाले ऊपर प्रैक्टिस वन पी आ रहे हैं ना ऊपर। अब इसमें हम बात करते हैं एक्सएमएल के बाद अगला ऑप्शन आता है जेसन फाइल। तो जेसन फाइल भी हमारे पास नहीं है, बट आपको बता देते हैं जेसन फाइल अवेलेबल नहीं है। डाउनलोड में देखते हैं उसमें कौन सा डाटा रहते हैं। ये रहा आपका जेसन फाइल भी आपका हुई है जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। ये भी आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर, ठीक है। लेकिन अब जैसे जेसन फाइल को लोड करेंगे ना सर, तो लोड करते ही आपको यहाँ पे इस आएगा क्या बोलते हैं इसमें पावर क्यूरी एडिटर में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, हाँ जेसन फाइल से इसका आपने कर लिया। उसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे पास आता है फोल्डर, फोल्डर फाइल कनेक्ट कर सकते हैं पूरा फोल्डर। हाँ फोल्डर मतलब जैसे फोल्डर में वगैरह है वो सब का लिस्ट आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए मैं न्यू फोल्डर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए दोबारा देखिए वो फोल्डर में किसी भी टाइप का डाटा रहने दो कुछ भी। हाँ, पूरा फोल्डर लिस्ट आपको दे देगा, देखिए ना देखा डेटा नहीं देगा सर, फाइल लिस्ट ऑफ फाइल। ओके मैं इसको कंबाइन अब इसमें लोड कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें, कंबाइन पूरा आपको यहाँ पे लोड कीजिए, लोड आपका हो जाएगा। डेटा नहीं आएगा सर, फोल्डर में कितने फाइल उसका लिस्ट आएगा। फिर वो आपने को एकदम स्पेसिफिक फाइल नहीं जिसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पूरा फोल्डर लोड होगा।
समझे सर, ये देखिए फोल्डर का लिस्ट आ गया, जो फोल्डर।